डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है गवर्नमेंट सरकारी वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी एक नई वैकेंसी, एक नया अपडेट और दोस्तों गुड न्यूज। तो दोस्तों, आप जैसे मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक FSSAI रिक्रूटमेंट मींस फूड डिपार्टमेंट ने एक रिक्रूटमेंट जारी किया है 2022 का। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके अंदर पूरा हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पूरा डिस्कस करेंगे, क्या वैकेंसी रहने वाली है, किस तरीके की सैलरी आपको 45,000 तक पहुंचाएगा और फ्रेंड्स आज तक मतलब 19 अक्टूबर की 10 बड़ी वैकेंसीज की चौक की आपको डिटेल, ताकि आप इसके साथ उसको भी भरना चाहिए। फर्स्ट फ्रेंड्स, जो आप हमारे YouTube चैनल पे नया आया है, प्लीज़ को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बने बेल आइकन के ऑल बटन पे क्लिक कीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, ये भी आपको पता होगा कि जैसे आपको पता है हमारा टारगेट है 2023 तक आपको गवर्नमेंट जॉब तक बैठाना या उससे पहले आपको जॉब देना। तो जो दोस्तों आपका काम है सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए और बाकी जो तैयारी आप वो हम पे छोड़िए, हम आपके लिए जॉब ढूंढेंगे, आपके लिए फाइंड करके लेके आएंगे, आपको सिर्फ फॉर्म भरना है और पेपर देने जाना है। तो फ्रेंड्स, अब इसको डिस्कस करते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि FSSAI की रिक्रूटमेंट आ रखी है और फ्रेंड्स ये रहा उसका आपका ये नोटिफिकेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, 6 अक्टूबर को जारी हुआ है, जिसके अंदर उसने पूरा सर्कुलर निकाल रखा है कि किस तरह आपको भरना है। 10 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक भरा जाएगा, क्या आप उसको हेडक्वार्टर आपको उसके चैनल के थ्रू भेजना है, ये फ्रेंड्स अपन सारा ये डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिक्रूटमेंट जारी किया है, जिसके अंदर उन्होंने ये वैकेंसी आपके सामने दिख रखी है। तो फ्रेंड्स, इन्होंने कुछ आपकी जैसे आप देख सकते हैं पहले एडवाइज़र की वैकेंसी निकाल रखी, सैलरी इनके सामने आप देख सकते हैं। जॉब दिल्ली, आपका जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली रहने वाला है। उन्होंने का क्या एक्सपीरियंस और एलिजिबिलिटी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए, 5 रेगुलर बेसिस पे आप इस ग्रेड पे लेवल 13 तक आप काम कर चुके हो, PG डिप्लोमा होना चाहिए फूड सेफ्टी एंड साइंस के बीच में, BE BTech आपकी फूड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर इनको चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सारा आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर नोटिस मिल जाएगा, उसका बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ना। अगर फिर भी डाउट होता है तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में जाके मुझे आप बता सकते हैं। दोस्तों, उसकी पता है जॉइंट डायरेक्टर, जो आपका बिल्कुल लीगल, टेक्निकल और एडमिन एंड फाइनेंस की तरफ से होगा। फ्रेंड्स, ये आपके पास एक्सपीरियंस इन्होंने मांग रखा है। अगर किसी भी आप ऑफिसर, किसी आप ऑफिशियल मतलब आप गवर्नमेंट ऑफिसर रह चुके हैं, जिसमें आपने पास कोई रिसर्च किया है या सेमी गवर्नमेंट के अंदर हो, या आपने ऐसे कोई रेगुलर बेसिस के ऊपर ऐसी कंपनी में काम किया है, या अभी 5 साल के लिए किसी आप ऐसे हाई इस अहदे के ऊपर आप असाइन होते हैं, या आपके पास बैचलर डिग्री होती है या फुल टाइम डिग्री आप लॉ के अंदर आपके पास हो, या आपके पास जो फूड साइंस या आपके पास ऑयल टेक्नोलॉजीज डेयरी या इसमें कोई आपका एक्सपीरियंस होता है, तो फ्रेंड्स आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसी तरह अगर आप देखा जाए सीनियर मैनेजर की, वही एक पोस्ट है। आज फ्रेंड देख सकते हैं, अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या इन टेरिटरी के अंदर सेमी गवर्नमेंट में आपने काम किया हो इसी अहदे के ऊपर, इसी ग्रेड के ऊपर, या फ्रेंड्स आपने पास कोई रेगुलर बेसिस पे कोई डिपार्टमेंट हो, या आपने को 5 ईयर का कोई एक्सपीरियंस हो अच्छे ग्रेड का, तो फ्रेंड्स आप इसके लिए आप एलिजिबल हैं। फ्रेंड, उसी तरह सीनियर मैनेजर IT मांग रखा 78,000 से 2,09,000 के अंदर। तो फ्रेंड्स, वो इसकी है कि अगर किसी भी आप सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट या किसी पब्लिक सेक्टर के अंदर इस लेवल के ऊपर IT मैनेजर पर आप रहे हों, और फ्रेंड्स आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो रेगुलर पे काम करने का, पे लेवल 11 होना चाहिए उसे इक्वेलेंट, या फिर फ्रेंड्स आपने BE BTech कंप्यूटर साइंस से किया हो, या MCA को आप इस डिग्री के ऊपर रहे हो। उसी तरह फ्रेंड्स डायरेक्टर मांग रखा है आपका किसके अंदर, इसने 7 पोस्टों के साथ वही सारी क्वालिफिकेशन, मास्टर डिग्री इन फूड साइंस टेक्नोलॉजीज, PG डिप्लोमा इन एंड वाट एवर इन डिग्री आपके पास चाहिए होगी। उसी तरह आपके पास फूड टेक्नोलॉजी के पास अगर आपके पास BTech या आपने कुछ भी कर रखा है, आप उसके एलिजिबल है। सेकेंड फ्रेंड्स, आप मैनेजर की देख सकते हैं 2 पोस्ट है, वही उन्होंने सारे एलिजिबिलिटी मांग रखी है। सेंड फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर है आप 56,000 से 1,77,000 के लिए, नंबर ऑफ पोस्ट 2 रही है। और फ्रेंड्स आप वो भी आप देख सकते हैं पे स्केल कितनी बढ़िया है, आप लेवल 8 के लिए आपका जो 3 लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेगुलर बेसिस के ऊपर, वॉट एवर इसका 8 ईयर आपके पास रेगुलर बेसिस पे ग्रेड जो पे लेवल 6 है इस पर आपके पास काम आपने किया हुआ हो, उसी तरह पे लेवल 7 पे आपने मिनिमम 3 साल के लिए काम किया हो, या फिर आप बैचलर डिग्री हो फ्रेंड्स आपके पास, वॉट एवर किसके अंदर आके पास विलीजेंस के अंदर आके पास कोई भी 3 साल की अगर डिग्री चल जाएगी। उसी तरह फ्रेंड्स, इन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए बोल रखा है जहाँ पे लेवल 10 है, जिसमें 56,000 से 1,77,000 रुपये इसकी सैलरी रखी गई है। फ्रेंड्स आप सारे इसके अंदर देख सकते हैं इन्होंने क्या आपके पास रिक्वायरमेंट रखी है। उसी तरह फ्रेंड्स, डिप्टी डायरेक्टर हो गया, डिप्टी डायरेक्टर मैनेजर इन IT, जो उन्होंने बोल रखा है MCA BTech आपको उनके पास
वट एवर आपके पास सैलरी से रिलेटेड के बाद आपके जॉब्स होनी चाहिए। मेनली फ्रेंड्स, ये आपके पास बता दूँ ये फ्रेशर्स के लिए भी है और आपके पास उन कैंडिडेट्स के लिए भी जिन्होंने अभी अपना कहीं कैरियर स्टार्ट कर लिया है और बिल्कुल अभी बीटेक है और बिल्कुल अपने फ्रेशर तरफ से अप्लाई करना चाहते हैं, तो एक बार आप इसके अंदर आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए आ गया, जिसमें आप मांग सकते हैं कोई आपका बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो सकती है। अगर आपने आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर में आप ऑफिस में काम किया है या सेमी गवर्नमेंट, आपको बेस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर आपने कोई दो साल के लिए रेगुलर बेसिस पे अगर कोई आपने ऐसी कंपनी में या आपने किसी पे स्केल पे पे स्केल लेवल 7 या 6 पे कार्य किया है तो फ्रेंड्स आपको उसे प्रायोरिटी दी जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए। उसी तरह आप देख सकते हैं जो प्राइवेट सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी है उसके लिए उन्होंने वैकेंसी निकाल रखी 4 है। सेम वही आपको इसी भी आप बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए या आपने 2 ईयर्स के लिए 7 लेवल पे आपने कोई काम किया हो। उसी तरह पर्सनल सेक्रेटरी की उन्होंने वैकेंसी निकाल रखी है, आप इसको पूरा आप इसको देख सकते हैं। उसी असिस्टेंट मैनेजर, IT असिस्टेंट मैनेजर, वट एवर जूनियर असिस्टेंट, वही आपकी 1 लेवल के लिए चला गया, जो 12th क्लास मांग रखी है। पर फ्रेंड्स इन्होंने ये भी बोल रहा है अगर आपके पास कोई अगर एक्सपीरियंस है तो मैं आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो फ्रेंड्स एक तरीके से इनकी एक समरी देख लेते हैं अपन। अभी की समरी ये है कि फ्रेंड्स अगर फूड सेफ्टी इन्होंने अथॉरिटी ने निकाल रखी है, जिसमें एडवाइजर, जॉइंट सेक्रेटरी, सीनियर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी एंड अदर पोस्ट मिला के 80 वैकेंसी निकाल रखी है। फ्रेंड्स 10 अक्टूबर से 5 नवंबर तक बीच में अप्लाई करना है और फ्रेंड्स इसकी आपकी हार्ड कॉपीज जाएगी जो 20 नवंबर 2022 तक जाएगी। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है और फ्रेंड्स इन सबके जो नंबर ऑफ जो पोजिशंस है वो आप देख सकते हैं इसके अंदर। फ्रेंड जो उसमें मिनिमम एज है आप मान सकते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप 50 या 60 इतना चल जाएगा, आपको इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा और टोटल आपके पास जो ऑल ओवर पोस्ट है उसके अंदर टोटल मिला के देख सकते हैं 56 साल का आपको एक्सपीरियंस चल सकता है। मिनिमम 58 मीन्स आप 58 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इससे ऊपर आप नहीं कर सकते। मिनिमम सैलरी इसकी 19,900 है, मैक्सिमम सैलरी आप देख सकते हैं 2,18,200 है। कोई फीस इसके लिए नहीं लगने वाली फ्रेंड्स, ये पूरी फ्री है। और फ्रेंड इसके लिए आपका रिटर्न एग्जाम और एक इंटरव्यू लगेगा। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जिसी तरह आपका जनरल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर लिटरेसी और उससे फंक्शनल नॉलेज टेस्ट लगेगा 2575 का। टोटल आके 100 क्वेश्चन आएंगे, 120 होगा फ्रेंड्स टोटल MCQ होगा। एक क्वेश्चन के आपके पास 4 मार्क मिलेंगे और 1 मार्क मिलेगा आपके पास डिटेक्ट होगा रॉन्ग मार्क के ऊपर। उसी फ्रेंड्स अगर बात कर लेंगे सब्जेक्टिव टाइप का पेपर किस तरह आ सकता है, आप इसको दे सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश कंप्यूटर लिटरेसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आप फ्रेंड्स अगर आप जनरल के लिए जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल फूड लॉ आपके एक सब्जेक्टिव पेपर आएगा, एक FSS आएगा, रोल फंक्शंस क्या होते हैं उसका सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज वही 25-25 के मिला के 100, तो आपके टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चंस इस तरह बनेंगे फ्रेंड्स। अब बात करते हैं अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए जाते हैं तो आपके पास वही जनरल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर लिटरेसी का पेपर रहेगा। फिर फ्रेंड एक आपका एक प्रोफेशनली पेपर होगा जिसका आपका जनरल नॉलेज टेस्ट होने वाला है, उसी से रिलेटेड 2575 मतलब 100 वही 120 आपके क्वेश्चन 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 4 मार्क मिलेंगे करेक्ट के लिए और 1 मार्क कटेगा आपके नेगेटिव मार्क के लिए। फ्रेंड उसी तरह का जनरल एप्टीट्यूड वही चीज़ लगने वाली है, वही सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं किस तरह इन्होंने इसकी मार्किंग स्कीम आपकी कर रखी है। जैसे इंटेलिजेंस एंड इंटरनेशनल फूड लो जिस तरह आपके पास जो सब्जेक्ट रहेगा, फंक्शन नॉलेज उसके पास 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन आएंगे, FSSC आएगी रोल फंक्शंस इनिशिएटिव जो आपके जनरल अंडरस्टैंडिंग रखता हो इन सबके उनके भी 10 क्वेश्चन है, एक आपका सब्जेक्ट में आपकी पकड़ होनी चाहिए उसकी 55 क्वेश्चन। तो टोटल मिला के आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन वही आपको 120 मिनट में करने होंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको इसकी वेबसाइट के ऊपर जाना है FSSAI.gov.in के अंदर, जहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा कैरियर का, वहाँ पे आपको सर्कुलर मिलेगा, आपको उसको अच्छी तरह एडवर्टाइजमेंट को पूरा पढ़ना है। फ्रेंड नोटिफिकेशन करने के बाद अगर आप इसके एलिजिबल होते हैं तो आपको ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर देना है। अगर आप नए यूज़र हैं तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन आप इसके लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड जो भी आप इन्फॉर्मेशन डालें करेक्टली डालें, मैंने सबमिट करके एक प्रिंट करके अपने पास एप्लीकेशन रख लें और फ्रेंड सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको ये वहाँ पे ऑफलाइन भेजना पड़ेगा, जिसका आपका पास पूरे नोटिफिकेशन उसका एड्रेस मेंशन है।
अब फ्रेंड्स अब देखते हैं कि जो बड़ी अच्छी वैकेंसीज है जो आप इसके साथ देखनी चाहिए, जो आप सभी भर सकते हैं, जैसे 10 पोस्ट के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट एंड जेनेटिक्स एक्टिव ब्रीडिंग ने निकाल रखा है। जॉब लोकेशन कोयम्बटूर है, क्लर्क मल्टी टास्क और टेक्निकल असिस्टेंट के साथ 13 अक्टूबर से 25 नवंबर तक चलने वाली वैकेंसी है। फ्रेंड्स याहू को मैंने इसलिए सबमिट किया है क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, अगर आप इसमें ज्वाइन होते हैं तो आपको गवर्नमेंट से भी अच्छी फैसिलिटी आपको मिलेगी। और दोस्तों इसके आप देख सकते हैं 12 अक्टूबर से 10 नवंबर तक इसकी चलने वाली वैकेंसी है। फ्रेंड उसी तरह बिहार ने फूड स्टेट फूड कॉर्पोरेशन में निकाल रखी है जिसमें 90 पोस्ट हैं। अकाउंट और सब ऑर्डिनेट क्लर्क की जो वैकेंसी है, एप्लीकेशन ऑलरेडी आपकी रनिंग में है और 1 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। उसी तरह फ्रेंड्स अभी आपका आंध्र प्रदेश ने पब्लिक सर्विस कमीशन में एक वैकेंसी निकाल रखी है कंप्यूटर ड्राफ्टमैन ग्रेड सेकंड की। वैकेंसी टोटल पोस्ट 8 है। आज के 10 नवंबर से आगे वैकेंसी स्टार्ट होगी और 30 नवंबर तक चलेगी। उसका सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फ्रेंड उसी तरह आप एक स्कॉलरशिप स्कीम आई है, अगर आपका फ्रेंड या आपका कोई भाई या फिर आपका कोई पड़ोसी अगर आपके स्कूल में पढ़ रहा है और बहुत ही अच्छा पढ़ाई के अंदर है तो फ्रेंड सरकार उस लड़के को तो 2500 रुपये देगी और गर्ल्स को 3000 रुपये देने जा रही है। जो भी स्कीम्स हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा कम्प्लीटली दिख जाएगा। उसके बाद फ्रेंड SBI ने एक CBO सर्कल बेस्ड ऑफिसर की एक वैकेंसी निकाल रखी है जो 18 अक्टूबर से चालू मीन्स कल से चालू हुई है, जो 7 नवंबर तक आपकी चलेगी फ्रेंड्स। उसके बाद एक आपकी फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ रखी है जो इसमें ग्रेजुएशन डिग्री मांग रखी और फ्रेंड्स इसमें पोस्ट है 701 है और फ्रेंड्स ये आपकी 5 दिसंबर तक चलेगी और ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। उसी तरह फ्रेंड्स EPFO ने वैकेंसी निकाल रखी, जूनियर डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर मास्टर डिग्री है। टोटल वैकेंसी 42 है, लास्ट डेट 45 है और फ्रेंड्स ये दिल्ली के अंदर इसकी जॉब पोस्टिंग रहने वाली है। उसी तरह बात करेंगे RVNL रिक्रूटमेंट की जो आपकी रेल विकास निगम लिमिटेड है। फ्रेंड्स इसमें सैलरी 50,000 तक लगभग रहेगी, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर है, ग्रेजुएशन डिग्री है, एक वैकेंसी है, 15 नवंबर तक आप उसको अप्लाई करना है और ये पोस्ट आपकी रांची में रहेगी। उसी तरह झारखंड ने वैकेंसी निकाल रखी ट्रेनिंग ऑफिसर की, दोस्तों 737 पोस्टों का लास्ट डेट आपके पास 17 नवंबर। उसी तरह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जलंधर ने भी असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 ग्रेड 2 की वैकेंसी, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर की भी जॉब है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट और PhD इन्होंने मांग रखा है। 77 वैकेंसीज है, 4 नवंबर लास्ट डेट रहने वाली है और जलंधर आपके इसके अंदर लोकेशन रहेगी फ्रेंड्स। उसके बाद ONGC जिसे मिनी रत्न महारत्न कंपनी का जो ग्रेड प्राप्त है उसमें इसने एग्जीक्यूटिव फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर और मेरिन ऑफिसर्स की लिस्ट और वैकेंसी निकाल रखी है। फ्रेंड्स ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इनकी कैंडिडेट्स चाहिए, टोटल वैकेंसी 7 से, लास्ट डेट आपकी 7 नवंबर रहने वाली है, जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया है फ्रेंड्स। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जो भी मेरे द्वारा दी गई वैकेंसी आपसे संतुष्ट होंगे। फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स एक लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, अगर फ्रेंड्स आपको नहीं लगता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हमारा टारगेट यही है कि आपको सन 2023 तक आपको किसी भी तरह हम आपको गवर्नमेंट जॉब आपको दिलवाएं, आप तैयारी में लगे रहिए, हम आपके लिए इसे जॉब ढूंढ के लेके आते रहेंगे। पर फ्रेंड्स उसके पहले आपको सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड इसलिए मुझे आपकी इजाज़त दीजिए, अगली बार आपके लिए नया नोटिफिकेशन और नई जानकारी फिर उपस्थित होंगे। तब तक फ्रेंड्स टेक केयर, बाय।